अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर रोज। आज हम लोग बनाएंगे ग्रीन चिकन बोटी हरे मसाले में। हमें हरे मसाले के लिए चाहिए होगा, वो चाहिए होगा एक अदद धनिए की गड्डी, एक अदद पुदीने की गड्डी, एक शिमला मिर्च बड़ी, एक हरी मिर्चें छोटी छोटी। आजकल मलीर की मिर्च नहीं आ रही तो हम ये वाली मिर्चों से काम चलाएंगे। इनको हमने काट के रख लिए। इन सबको अभी ग्राइंड करेंगे हम दही में। ओके, हरी मुर्गी है, इसको हमने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। अब ये साइज देख सकते हैं, इसमें ग्रीन मसाला लगेगा अभी हम जो बनाएंगे। अब ये देख सकते हैं, अच्छी खासी छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। इसमें मिक्स करेंगे मसाले को। पहले हम हरा धनिया डालेंगे जो हमने काटा हुआ था चॉप करके। एक हरे धनिया की डंडी आ गई पूरी। ये हम पुदीना डालेंगे, पुदीना डाल दिया। अब बाकी हमने अभी ये शिमला मिर्च डालने हैं इसके अंदर। शिमला मिर्च डाल दी। अब हम मिर्चें डालने हैं इसके अंदर, बाइट जो हमने बीच में से दो करी थी डाल दी। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। आपको दही दिख रहा है, ये हमने तकरीबन एक पाव लिया है, एक पाव दही डाल दिया है हमने इसमें। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ग्लेंड करने के लिए। अब इसको हम ग्लेंड करेंगे। अब इसको वो हमारा ग्राइंडर खराब हो गया था, हमने इसमें डाइवर्ट कर दिया है। अब इसका हम ब्लेंड करते हैं इसको। ग्रीन मसाला तैयार हो गया है। हम इसको हम अपने चिकन में लगाएंगे। पहले चिकन के मैरिनेशन करते हैं, फिर इसको लगाएंगे इसमें। पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, एक ये दो लहसुन अदरक का पेस्ट। नींबू का जूस डाल लें, नींबू का जूस डाल रहा हूँ उसके अंदर। अच्छी क्वान्टिटी चाहिए नींबू के जूस के। नींबू जूस डाल दिया है हमने। नींबू का जूस डाल दिया, हसबे जायका नमक एक, ये दो नमक हो गया आपका, हसबे जायका काली मिर्च, ये भी हमने काली मिर्च डाल दी एक, ये दो। अब जो जाएगा काली मिर्च हो गई, इसमें अब जीरा डालेंगे हम, जीरा पाउडर। अब इसमें तेल शामिल करेंगे। खाने का गरम मसाले का पाउडर भी डाला है हमने इसमें। हमने जो हमारा मसाला था वो इसमें डाल दिया है। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हरा मसाला है मुर्गी में हमारा लग गया है। अब इसको हम 4 घंटे बाद ओवन में बनाएंगे। ये मैरिनेट के लिए हमने रख दिया है इसको। हम फ्रिज में रख रहे हैं 4 घंटे के लिए। ओके बाय। अब हम अपनी मुर्गी निकालेंगे जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखी हुई थी, वो हम बाहर निकालेंगे। आप ये देख सकते हैं, हमारे मैरिनेट भी
मुर्गी आ गई है। अब इसमें से हम मुर्गी अपनी निकालेंगे और इसको माइक्रोवेव ओवन में बनाएंगे। थोड़ा हम इसको अच्छी तरह हिला देंगे। आप ये देख सकते हैं हमारी अच्छी खासी मैरिनेट हो गई है मुर्गी हमारी। हम अपने ग्रीन टिक्के में जो बोटियाँ हैं सारी इसके मदद से सब निकालेंगे ना, हाथ हमारा ज़्यादा गंदा हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं मैरिनेट हुई है। इसको हम ट्रे में निकालेंगे कि हमारे माइक्रोवेव ओवन में अच्छी तरह आ जाए। ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी मैरिनेशन हुई है। अब हम बाकी मुर्गियों को निकाल के इसमें डाल के आपको दिखाएंगे। हमारी ग्रीन चिकन बोटी सारी निकल गई जो हमने मैरिनेट करी हुई थी। ये हमारा मसाला बचा है, लेकिन हम ये दूसरी कोई रेसिपी बनाएंगे कोई अच्छी सी, उसमें इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको माइक्रोवेव ओवन में डालेंगे। हम ले जा रहे हैं माइक्रो ओवन में। माइक्रो ओवन में ये वाली ट्रे नहीं आ रही, तो हमने ये वाली ली है ट्रे, इसके अंदर हम डालेंगे। इसको हम अपने माइक्रोवेव ओवन में रख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इसको माइक्रो ओवन में रख रहे हैं। इसका टेम्परेचर हम M3 हाई पे कर रहे हैं और 25 मिनट के लिए इसको बनाएंगे। फिर आपको मिलते हैं 25 मिनट के बाद। 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारी चिकन तैयार होने वाली है, तैयार हो रही है। अब ये 25 मिनट बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे तैयार हुई है। ग्रीन टिक्का तैयार हो गया है, ग्रीन टिक्के की बोटियाँ आप ये देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं लाइट चली गई। अब जिस तरह से भी ये उस तरह से हमें बनाना है। अब ये देख सकते हैं ये इस वजह से काला हुआ है कि हमारा ना मसाला ना लगा हुआ नहीं था, इसके ऊपर मसाला लगा हुआ नहीं था, उस वजह से हो गया। लेकिन अच्छा खासा गल गया है। बोटियाँ भी आप देख सकते हैं फुल गर्म हो रही है, अच्छी खासी बोटियाँ हो गई हैं। आप देख सकते हैं गर्म है बहुत माशाल्लाह। आप देख सकते हैं जो हमने ग्रीन टिक्का मसाला बनाया था बड़ा जूसी बड़ा टेंडर बना है। इसमें हमने 2-3 बाजू भी डाल दिए थे टेस्ट के लिए कि बाजू हड्डी में क्या जायका आता है। अब ये देख सकते हैं ये हमारे मसाले वाले जो हमने ग्रीन कलर का बनाया था उसमें अच्छी खासी बोटी एकदम टेंडर हो गई है। जो हमने मसाला लगाया था उससे भी टेंडर हो गई थी। आए हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है हमारा ग्रीन टिक्का मसाला। अब देख सकते हैं कोई भी हाथ लगाओ तो टूट रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा टेंडर ऐसा जूसी बना है माइक्रो ओवन में। आप ज़रूर ये इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो कंटेंट है रेसिपी हमारी हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। फुल जूसी हो रहा है चिकन, बिल्कुल जूसी है, टेंडर है, बिल्कुल गला हुआ है। आप ज़रूर ये हमारे रेसिपी इस्तेमाल करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसी दुआओं में हमें याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।